हमारे ग्रुप के लीडर भी बोलेंगे कुछ। एक साल एक महीना लेट चल रहा है सेशन। हम लोग का 20 से 23 सेशन है, अभी 22 है, हम लोग का बस एक एग्जाम हुआ है। राजधानी पटना की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बीटेक के छात्रों ने जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के कुलपति के गाड़ी का घेराव तो किया ही, साथ ही एक यूनिवर्सिटी हाय हाय के नारे लगाए। यूनिवर्सिटी के कुलपति को लगभग 2 घंटे तक लोगों ने घेराव कर रखा है। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट इमेज खान पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने और लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। आपको बता दें, बीते 2020 और 24 के सत्र के छात्रों का कहना है कि अब तक सभी छात्र 4 सेमेस्टर की परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हम लोगों का 2 सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में यूनिवर्सिटी 26 फरवरी को हम लोगों का परीक्षा लेने की बात कर रही है। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को बिना परीक्षा के एक प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि अगर परीक्षा लेना था तो पहले लेना चाहिए था, इतना लेट से परीक्षा ले रहे हैं। 7 लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से हम लोगों की ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाई, तो हम लोग परीक्षा कैसे दे पाएंगे। आपको बता दें कि छात्रों की संख्या तकरीबन 1000 के करीब थी और छात्र मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम लोगों का इतना ही कहना है कि हम लोगों का जो सेशन है वो टाइम पे होना चाहिए। जैसा कि हम लोग 2020 में एडमिशन लिए हैं, या बीटेक हो, बीबीए हो, बीकॉम हो या बीसीए हो, सभी लोग 2020 में लिए हैं। और ऐसा नहीं, बिहार में सिर्फ सेशन को पीछे चलाया जा रहा है एक यूनिवर्सिटी में, बाकी जितने बाहर में यूनिवर्सिटीज हैं सबका या तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ है, या तो सब छात्र को प्रमोट किया गया है, और सबको प्रमोट किया गया, लेकिन सिर्फ यही एक ही यूनिवर्सिटी है ऐसा जहाँ पे एक 1 ईयर सेशन लेट चल रहा है। यही कहना हम चाहेंगे, एक एक्यू से हम अनुरोध यही करना चाहेंगे कि सबको प्रमोट किया जाए, सब स्टूडेंट को, और सेशन जो है टाइम पे किया जाए, क्योंकि सर इन्हीं में से बच्चे सर हैं जो सिविल सर्विस का तैयारी करेंगे, बीपीएससी का तैयारी करेंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, बैंक पीओ सब का सर एग्जाम देंगे, गैट मैट गेट सब का एग्जाम देंगे सर। और सेशन अगर लेट चलता है सर तो बताइए हम लोग सर सेशन पे ध्यान दें या हम लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दें। हमारा गोल है एसबीआई का बैंकिंग का एग्जाम देना है, हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे। हम लोग सर छात्र हैं, हम लोग और कुछ करने नहीं आए, बस हम लोग का जो मांग है वो पूरा किया है। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेशन एक साल लेट चल रहा है। हम लोग का 20 से 24 सेशन है, हम लोग का अभी 4th सेम में होना चाहिए, जो कि हम लोग 2nd सेम में चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रमोशन की मांग को रखते हुए, ऑनलाइन एग्जाम की मांग को रखते हुए 4 बार प्रोटेस्ट कर चुके। 4थी बार हमको आश्वासन दिया गया कि JUT अगर प्रमोट करता है तो हम भी लोग आपके हित में फैसला लेंगे। तो आज हम इसलिए आए हैं कि JUT ने प्रमोट कर दिया तो फिर हम लोग के हित में फैसला में देरी क्यों। हमारा नाम रुपेश कुमार चौधरी। हमारी सिंपल सी मांग है कि हमारे सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए, बस हम लोग और कुछ नहीं चाहते। कितने दिन लेट हुआ? हमारा एक साल एक महीना लेट चल रहा है सेशन। हम लोग का 20 से 23 सेशन है, अभी 22 है, हम लोग का बस एक एग्जाम हुआ है एक सेमेस्टर। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को 2nd सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए, उसके बाद अपना सही तरीके से सेशन को चलाए। झारखंड का भी हवाला दिया जा रहा है, झारखंड सरकार को दिया गया था। नहीं नहीं, उस दिन आए थे ना हम लोग को बोला गया था कि क्या कहते हैं, झारखंड बोर्ड अगर प्रमोट कर देता है तुम लोग को हम भी प्रमोट कर देंगे, उसी को लेकर आए हैं। देखिए आज प्रमोट करता है कि नहीं करता। आज आप लोग हंगामा भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हंगामा नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।